बहुत बढ़िया धन्यवाद। आज के जो विमोचन भी होगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मैं मंच से बुलाऊँ उसके पहले मॉरल पेपर के प्रधान संपादक जाने माने साहित्यकार और इतिहास को सजे हुए इनका एक मॉरल पेपर ही ग्रंथ है जिसमें साहित्य और इतिहास की जानकारी मिलती है, हर प्रवीण आंदोलन की भी जानकारी मिलती है। एक कानपुर को अमूल्य निधि के रूप में ये पत्रकार के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सम्मान से बुलाता हूँ कि आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन और प्रवीण निश्चित के विकसित प्रति बारे में जानकारी दें। आदरणीय जी के आज मेरी चर्चा हो रही है, आज मैं कुछ पत्रकार का अध्यक्ष के प्रोता है, हम लोगों की अध्यक्ष आदरणीय सम्मान में शिक्षित जी की आज में कुछ पर श्रद्धा संरक्षण करते हैं, संगठन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पत्रकार विधिवेदता आवाजी सरोकारों में कोई इस अवसर पर उपस्थित कैंसर जैसे लोग असाध लोग महान डॉक्टर जी सेवाओं से जीवन देश विदेश नौजवानों के जिन मरीजों के योगदान दिया है उनका जितनी स्थिति याद होगी कम की क्या था लेखक और वरिष्ठ सामाजिक सरोकार और हमारे परिवार के अध्यक्ष हमारे सभी नहीं मिल जाए। क्योंकि आज सबसे बड़ा संकट ये है कि ऐसे लोगों पर कोई आयोजन ना तो आयोजित किए जा रहे हैं और ना आयोजित किए जाने की किसी की मंशा होती है, और आयोजन जब होता है तो उस पर लोगों को बुलाना और जुटाना उस बड़ा दुरू कार्य हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है समय काल के अनुसार सारी मान्यताएं प्रतिक्रिया लगातार और ये शाश्वत सत्य ज्यादा दूर जाकर हम प्रतिदिन के व्यक्तित्व चित्र की बात करते हैं तो पहले ये जानना होगा पत्रकारिता का विकास चित्र कैसे बनना है। इस दौर में उम्मीद की हुए उतार मतलब बालकाली का गणेश संकट के द्वारा उस समय संपादित प्रकाशित धनी गणेश हम 13 में निकला और बहुत जल्दी ही 10 साल भी उसके बाद नहीं हुआ उसके वीकली से दैनिक हुआ दैनिक से फिर बातचीत हुआ फलाना हुआ कई बार जेल गए कई उसके प्रकाशक संपादक बदले लेकिन चला नहीं। परिस्थितियों का ध्यान दीजिए उसमें बड़ा कठिन दौर था पत्रकारिता उस समय की आज से कहीं ज्यादा चुनौती पूर्ण थी लेकिन पत्रकारिता के उद्देश्य बिल्कुल भिन्न थे। उस समय की पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सारे लेखकों का मूल उद्देश्य देश की आजादी के प्रश्न पर था। अमूमन जितने लेखक जितने पत्रकार चुनाव के आपको मिलेंगे सबका मूल के ही उद्देश्य था देश को आजादी दिलाना उनके लेखन में उनके कार्यों में अपने इस बात से पूर्ण ज्यादातर ये दिखता है बाकी तो सभी उनके साथ साथ समाज सेवा की बात थी समाज की जरूरताएं थी खंडन भेजा बड़े लोग हैं तात्पर्य पत्रकारिता का ये अवमूल्यन किस तरह भी हो रहा है आइए
से रुका हुआ था तब आगे बढ़ने की कोशिश की। विधायक जी आ गए हैं, स्वागत है। मैं कह रहा था कि पत्रकारिता जो समय चल रहा था, उनके बारे में गलत नहीं जान पा रहे सच्चाई क्या था क्या नहीं हुआ क्या इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया ही गया। गणेश जी पर तो काफी कुछ लिखा गया, उन्हें कुर्बानी हो गई, उन्होंने बलिदान दे दिया देश के लिए, तो तमाम साहित्य आ गए। अभी से प्रवीण दीक्षित जी के बारे में जितने यहाँ बैठे हैं सच्चाई तो किसी कुछ नहीं मानी। उसका कारण ये है कि हम जब तक जुड़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं किसी के बारे में जानेंगे कोई भी हो, हमारे जितने मित्र बैठे हैं जिनसे अंतरंग हैं उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में सुना ही नहीं पढ़ा ही क्या बताएंगे। प्रवीण जी को हम बोले चूंकि हम भी 70 में पत्रकारिता में आ गए थे और उसके बाद हमने 79 में फिर मॉरल निकाला अपना, लेकिन इसके पहले हम प्रवीण जी को देखते थे, मिलते थे, पैर छुआ। अच्छा भी अपने धुन रहते थे उनका जो भी याद हो रहा होगा। हाँ क्या कर रहे हो इस बात को चलते हम वो क्या समझ पाते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी धुन में थे, हमें लगता था हम बड़े भाई पत्रकार बन भी हो गए। उस समय जो नई पीढ़ी आग भर रही थी, हम लोग भी बड़ी संघर्ष झेले वाले थे ना, तो उसमें तो मैं लिखता करता तो मुझे देखा रहे थे वाले ये कमी आती वही से बुरावा मजबूत होता है। तो प्रवीण जी ने मैं ये तो विचार की उनकी सोच फर्क पत्रकारिता थी, सच मान लो मेरे की बात है विचार तो वाले सालों पत्रकारिता में प्रवीण जी वास्तव में शोध पर पत्रकारिता के प्रेरणा थे, क्योंकि वो जो लिखते थे नवीन चीजों पर लाते थे, तमाम चीजें शोध की तमाम पुस्तकें जो लिखी जैसा प्रकरण में आता है तो उन्होंने तमाम विषयों को खुद उठाया और उसको दिशा दी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि काल परिवर्तन होता रहता है, वो पत्रकारिता पत्रकारिता में जमीन आसमान आ गया है, आज वो पत्रकारिता सा उद्देश्य नहीं है, ये नहीं कि कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसके अपने मंतव्य है। जैसे चुनाव आ गया इसमें गुना नहीं लग जाएंगे, अभी जब जो अवसर आता है जो जिसकी माइक गिराई गई जिसमें जितनी ताकत का दोहन कर रहा है पत्रकारिता का सीधा उद्देश्य रह गया है, तकिया गिलास घड़ी लालटेन पड़ रही है, वो पत्रकारिता को बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपना अखबार बढ़ा रहे हैं, जो पत्रकारिता के उद्देश्य माने सब बदल चुके हैं, आज़ादी मिल चुकी है, अब कौन सी लड़ाई कर रहे हैं इसका दिशाहीन समय समाज तो मजबूरी है तो सभी लिखते ही है, अब हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या क्या क्यों नहीं लिखेंगे या क्यों भी नहीं लिखेंगे, लेकिन समाज पत्रकारिता के पूरे उद्देश्य बदल चुके हैं। अभी आप बताए उदयपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ पत्रकारिता पर, उसमें जटिल विषय था इतना तुरंत विषय जितने आप जानते हैं बड़े आश्चर्यचकित होंगे, वहाँ ये बात आई सबसे बड़ा विषय था हिंदी को इंग्लिश बना देना। आप सबको यहाँ पता होगा जितने बुजुर्ग यहाँ भाई जगदम्बा भाई होती जी पहले अखबारों से लोग मिलान करते थे, हम जैसे शब्द लिखते हैं हमने लिखा मान लो घड़ी तो उनका भाई गड़बड़ तो नहीं है कहीं उस अखबार जरा मिलान कर देना, यानी पत्रकारिता में उस जमाने में हिंदी या भाषा की इतनी मानता थी कि जो लोग नहीं समझ पाते थे शब्दों को वो अखबार से मिला लेते थे। जैसे आज जान के लोग कहते भाई पढ़ लो ये सब भी साहब को मिला हमारे क्षेत्र के विधायक को मिला तो डॉक्टर दिए तो उनको ये जानकारियाँ उस जमाने में भाषा भी मिलान होता था। आज दुर्गति ये हो रही है कि कौन अखबार में क्या भाषा का प्रयोग हो रहा है तो दुर्गति नहीं रह गया है, हिंदी की इतनी दुर्दशा पत्रकारों में आज पत्रकारिता में हो रही कभी नहीं। इस विषय पर उदयपुर में फिर चर्चा हुई था दो दिन तक और सबने कुल मिलाकर यही बात आई, अपने राजद थाना पत्रकार के लोग हम गए हम नहीं बोल पाए लेकिन पूरी रिपोर्ट जो पढ़ी गई बड़ा साथ मन क्रांत हुआ कि क्या स्थिति आ गई यार। आप अक्सर देखते होंगे यहाँ जितने अखबार दैनिक निकले अगर आप उनमें भाषा देख लीजिए अंग्रेजी उसमें घुसी हुई है, जितनी भाषाएं गुजर सकते हैं इंग्लिश हिंदी को पूरा इंग्लिश बना के रख दिया है और आप उनसे कोई मार्गदर्शन भाषा के उनसे बारे में तो नहीं देते वो क्या लिख रहे हैं, और दूसरे दायकों को कोई अब बहन नहीं करना चाहता पत्रकारिता में जो बड़ा सबसे बड़ी कमी आ रही है। आपके बारे में यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही आप जो दे देंगे अभी विज्ञप्ति यहाँ बैठे होंगे पत्रकार में नहीं देंगे उसमें मुखातिब थे कि नहीं थे अध्यक्षता करने वाला था कोई मतलब नहीं इससे शुरू का आपने दिया पैसा मुझे छप जाएगा जहाँ ये पत्रकारिता के अंत निकाले जा रहे हो। अच्छा मजदूरी क्या आदमी अब जो बात चल रहे भैया मालूम है तो छुपवा ही नहीं छुपवाएगा आवाज है लेकिन दायित्व में कमी है। मैं ये कहना चाहूंगा
मेरा संक्षेप कहना कि जो हमारे पीछे मार्ग सुन गया, जो पत्रकारिता की सुचिता नैतिकता उन्होंने बनाए रखी, जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, हम ये नहीं कहते तुम्हें चिन्ह बचल के कल्याण हो पाएगा, चलना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम हम अपने दायित्व का व्यवहार करते हैं पत्रकारिता में, उसकी सुचिता को बनाए रखते हुए हर विधा में हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो चाहे वकालत हो, चाहे हर में नैतिक चैप्टर इसलिए नैतिक मानदंड स्थापित है और आज कंडक्ट है, कम से कम पत्रकारिता में भाई हम तो अपनी दिलाने से गए हम भी आज करेंगे, हमें सब शपथ लेना चाहिए, कम से कम अपने बुजुर्गों की बताए रास्ते को, उसको कुछ न करें तो बनाए तो रखे नहीं पढ़ा सकते, मैं उसे पूरा संतान से आशा करता हूँ कि हम लोग उनके बताए रखें। बहुत धन्यवाद विस्तृत जानकारी से।